दुर्ग जिले के कुम्हारी पेट्रोल पंप के पास मारपीट और चाकूबाजी में घायल युवक की अस्पताल में इलाज के दौरान मौत हो गई। इस मामले में कुम्हारी पुलिस ने घटना के बाद धारा 307-34 के तहत अपराध दर्ज किया था। घायल युवक की मौत के बाद सीसीटीवी फुटेज खंगाले गए। इसके बाद पुलिस ने सक्रियता दिखाई और कुछ ही घंटों में 5 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है। वहीं 2 आरोपियों की तलाश की जा रही है। पकड़े गए आरोपियों में 2 नाबालिग आरोपी भी शामिल है। पेट्रोल पंप के पास 2 दिन पूर्व रात में कुछ अज्ञात लोगों ने एक व्यक्ति की काफी पिटाई की थी और उसे गंभीर चोटें आई थी। उसमें आईपीसी 307 अटेम्प्ट टू मर्डर का एफआईआर किया गया। कल रात में ट्रीटमेंट के दौरान उस व्यक्ति की मृत्यु हो गई। धारा 302 आईपीसी जो है वो ऐड किया गया। उसमें सीसीटीवी फुटेज के आधार पर और गाड़ियों के नंबर्स को जो है खंगाला गया और 5 लोगों को अभी हिरासत में लिया गया है, जिसमें कि 3 बालिक और 2 नाबालिग है। 2 नाबालिग बच्चे भी और उनकी शिनाख्ती बची हुई है। दुर्ग पुलिस ने 24 घंटे के अंदर एक डिफिकल्ट मर्डर केस को तकनीकी और साइंटिफिक इन्वेस्टिगेशन द्वारा क्रैक किया।